भक्ति द्वार टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तेरे जल्द आ रहा है मारो खाटू वृंदावन से कम ना लागे भजन एल्बम गीत और इसी के साथ होली के त्योहार पर महा से सावरे खाटू वाला उड़ाने रंग फागुन माँ श्याम जी भजन जिसकी शूटिंग मुंबई के मलाड मनीषा बंगले में किया जा रहा है। दोनों ही एल्बम के प्रोड्यूसर दिनेश अशोपा और डायरेक्टर जयदेव चक्रवेदी के डायरेक्शन में शूट किया जा रहा है। मारे खाटू वृंदावन से कम ना लागे भजन को गाया है मशहूर गायिका साधना सरगम व आशु वर्मा ने, तो वही मारो सावरे खाटू वाला उड़ाने रंग फागुन माँ श्याम जी के भजन को गाया है गायक आशु वर्मा ने। गीत के लेखक है पुनीत राठी, संगीतकार के इकबाल दरबार। दोनों ही भजन गीत एल्बम में भगवान कृष्ण पर आधारित है। फरवरी तक दोनों ही भजन गीत एल्बम को भक्ति द्वार टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड पर लॉन्च किया जाएगा। वहीं गीतकारों का मानना है कि यह एल्बम लोगों को ज्यादा पसंद आएगा। मारो खाटू भी वृंदावन से कम ना लागे, मारो खाटू भी वृंदावन से कम ना लागे, दोनों जगह बिराजे श्याम, ओ दोनों जगह बिराजे श्याम, मन लागे मारो मन लागे मारो। मैम मनीषा बंगलो में आज एक शूटिंग चालू है, आप लोगों का एल्बम आ रहा है, एल्बम किस नाम से है, किस बैनर के तले आ रही है, उसके बारे में बताइए। नमस्कार, मैं साधना सरगम। आज बहुत ही एक सुंदर भजन जो खाटू श्याम जी का भजन है, तो उनको नमस्कार करके हम लोगों ने ये जो भजन गाया है इसकी आज शूटिंग हो रही है। और संगीतकार हैं इकबाल दरबार जी और लिखा है पुनीत राठी जी ने और आशु वर्मा जी और मैंने ये गाया है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे श्याम बाबा का ये भजन गाने का अवसर मिला है। ये जो प्रोडक्शन है ये भक्ति द्वार टेलीविजन है और डायरेक्टर है जयदेव चक्रवर्ती जी और इस सबके कर्ता धर्ता जो प्रोड्यूसर हैं वो दिनेश अशोपा जी हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि श्याम बाबा के चरणों में मेरा ये भजन जाएगा। और आशु जी आप? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मैम ने बताया, मेरा तो सौभाग्य है कि इतनी सीनियर मैम, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास तो शब्द नहीं है और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ मैम के साथ गाने का। बस यही कहूँगा कि श्याम बाबा की जो असीम कृपा है वो हम सब पर बनी रहे। बाकी मैम ने आप सबको बता ही दिया है, जो ये भजन है मारो खाटू भी वृंदावन से कम ना लागे, दोनों को बताया गया, विशेषता बताई गई है कि खाटू और वृंदावन की दोनों को आप जब सुनेंगे आनंद मिलेगा आप सभी को। जैसे श्याम कहीं ना कहीं गाने यहाँ पे चल रहा है उससे रिलेटेड बनाना जी, अभी एक मैंने सोलो भजन भी गाया है मारो सांवरो खाटू वाले उड़ावे रंग फागुन माँ, वो भी गाया है। अभी फागुन मेले पर हमारा ये जो मैम का और मेरा भजन है ये फागुन मेले से पहले ही रिलीज होगा, तो जल्दी आप सबको सुनने को मिलेगा। आप सबका आशीर्वाद बना रहे। दर्शकों से क्या कहेंगे? दर्शकों से मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले तो जो वही भजन हम लोगों को भी और जो भी गा रहे हैं उनको ऐसा ही कुछ गाना चाहिए जो सबको समझ में आ जाए। वही संदेश है, वही भजन है। आजकल जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। अभी आप सोचिए कि जो वर्डिंग है कि हमारो खाटू भी वृंदावन से कम ना लागे, एक शब्द की विशेषता है उसमें, अर्थ है। तो ऐसा ही कुछ मैं सबको कहना चाहूंगा जो भी लिख रहे हैं या गा रहे हैं। और मैं पुनीत राठी के बारे में भी कहना चाहूंगा, वो प्रोफेशनल नहीं है, उन्होंने ऐसी कोशिश करी लिखने की और बाबा की ऐसी कृपा हुई, उनको मालूम भी नहीं है कि ये भजन मैम ने गाया है। तो मैं बस ये कहना चाहूंगा ये कृपा है, ये कृपा हम सब पर बनी रहे। और सभी श्याम प्रेमियों को आने वाले फागुन मेले की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। फिल्म को डायरेक्ट करें आप, सॉरी एल्बम को डायरेक्ट करें, क्या है ये पूरा उसके बारे में, किस तरीके का एल्बम? ये वीडियो जो है बेसिकली भक्ति संगीत है जो खाटू श्याम जी के बारे में बताते हैं भक्ति द्वार चैनल के द्वारा। और भक्ति द्वार चैनल के प्रोड्यूसर हैं मिस्टर दिनेश अशोपा जो इस चैनल को ऑपरेट करते हैं और इसके लिए हम ये भक्ति संगीत बना रहे हैं। इसमें साधना सरगम जी हैं और आशु वर्मा जी हमारे सिंगर हैं और साथ में हम लोग ने कोरियोग्राफ किया है इसको, तो इसमें डांसर्स भी हमने इन्वॉल्व किया ताकि इसको थोड़ा सा कलरफुल कमर्शियल बना सके इसको। ये पूरा एल्बम कब तक मार्केट में आ जाएगा, कब तक ये पूरी कम्प्लीट हो जाएगा? देखिए जो होली का एल्बम है, जो फागुन का पोर्शन वाला हमने एल्बम किया है वो हम फागुन में रिलीज करेंगे,
और शायद कोशिश करेंगे उसका दूसरा जो एल्बम वो पहले हम रिलीज करेंगे, फिर दूसरा सॉन्ग जो है वो पहले रिलीज करेंगे। दर्शकों के लिए क्या मैसेज देंगे? दर्शकों के लिए देखिए दोनों चीजें हैं, भक्ति और एंटरटेनमेंट दोनों चीजें इसके अंदर मिलेंगी आपको देखने के लिए। बिकॉज क्या है कि हम चाहते हैं कि वो पैकेज जो हो एंटरटेनमेंट का हो और साथ में लोगों को भक्ति भी संदेश पहुंचे, भक्ति का संदेश पहुंचे। आने वाला काम और भी कोई प्रोजेक्ट है आपका जिस पर आपका काम चल रहा है? जी हाँ, कई प्रोजेक्ट्स हमारे पास हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कोई बड़ा सीरीज वेब सीरीज करें हम खाटू श्याम जी के ऊपर, और कुछ और बड़े हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं जो हम भक्ति द्वार चैनल के द्वारा करना चाहते हैं। दिनेश जी आपसे जानना चाहेंगे जो पूरा थीम है, कहाँ से विचार आया, किस तरीके से, क्या आपने देखा, कितना लोगों को पसंद आएगा, क्या? बेसिकली क्या है कि ये एक मैं चैनल है भक्ति द्वार टेलीविजन, उसके माध्यम के हिसाब से मैं ना भजन है ना बना रहा हूँ। भजन का है ऐसा है ना दिमाग में है कि इसको एक अच्छे ना लेवल पे है ना हमको बाबा के ऊपर खाटू श्याम जी के ऊपर एक भजन बनाना है। उसके लिए हमने बहुत अच्छा भजन दो अच्छा भजन बनाया है, एक तो फागुन मेले के ऊपर है और उसके पहले है खाटू श्याम जी और वृंदावन में, मतलब कंपेरिजन में क्या नाना है उसके हिसाब से हमने एक भजन बनाया है। उसमें हमारे ना सिंगर है आशु वर्मा जी है और श्रीमती साधना जी साधना जी ने उन्होंने गाया है और अच्छे से उसे ना कोरियोग्राफ किया है। आशा करता हूँ कि ये भजन दर्शकों को ना इस फागुन में देखने को मिलेगा और मैं चाहता हूँ इसको ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, सब्सक्राइब करें और इसको। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।